वेलकम टू सेल्फ डिफेंस। आज हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया के लाइट टैंक्स के बारे में, क्योंकि जब से एमओडी ने 350 लाइट टैंक्स के आरएफआई इशू किए हैं तब से सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है और मुझे लगता है कि ये कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है और ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ओईएम्स इसमें अपना प्रपोजल पेश करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले एलएनटी और हनवा डिफेंस कोरिया का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। K21-105 मीडियम टैंक, दरअसल ये एक लाइट टैंक है क्योंकि इसका वजन 25 टन्स है और ये एक जॉइंट प्रोडक्शन है हनवा डिफेंस कोरिया का एंड जॉन कोकरेल बेल्जियम का। इसमें 105 mm की जो टरेट है वो जॉन कोकरेल की है। हनवा डिफेंस ने इस टैंक को एक्सपोर्ट पर्पस के लिए डेवलप किया था, हालांकि कोरियन आर्मी भी इसे यूज़ करेगी। इसमें 750 HP का इंजन लगा हुआ है और इसकी स्पीड 70 km/h की है, ऑन द रोड एंड ऑफ द रोड 45 km/h की है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 km की है। बात करें अगर एलएनटी की, तो एलएनटी ऑलरेडी हनवा डिफेंस के साथ काम कर चुकी है भारत में और इन्होंने 100 की संख्या में K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइटर्स बनाए थे 155 mm के, तो इनका आपस में अच्छा तालमेल है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और डेफिनेटली ये दूसरे ओईएम्स को एक टफ कंपटीशन देंगे। अब हम बात करते हैं M8 लाइट टैंक्स के बारे में जिसे बनाया है PAE सिस्टम्स ने। भारत में इसे बनाएगी महिंद्रा डिफेंस, यानी ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन होगा बिटवीन महिंद्रा डिफेंस एंड PAE सिस्टम्स का। ये एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है और कह सकते हैं कि एक नया टैंक है और इसका वजन भी 25 टन्स है जो बिल्कुल फिट है एज पर RFI। इसमें 105 mm की सॉफ्ट रिकॉयल राइफल्ड गन लगी हुई है। बात करें इसके इंजन की, तो इसमें 580 HP का इंजन लगा हुआ है और इसकी स्पीड 72 km/h की है, ऑन द रोड एंड ऑफ द रोड 48 km/h की है। और बात करें अगर हम BAE सिस्टम्स की, तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये TOT पर, यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को, उस पर ये राज़ी होते हैं, क्योंकि भारत में अब कई सारे आइटम्स बैंड हो चुके हैं और उसमें टैंक भी है। कोई भी टैंक अब भारत में इंपोर्ट नहीं होगा और ये सारे के सारे अब भारत में ही बनाए जाएंगे। तो डेफिनेटली BAE सिस्टम्स और महिंद्रा का M8 भी एक टफ कंपटीशन देगा दूसरे ओईएम्स को। अब हम बात करते हैं रशियन स्प्रिट लाइट टैंक्स के बारे में, तो ये भी एक बेहतरीन टैंक है। अभी कुछ दिनों पहले ही इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स गए थे रशिया इस टैंक के परफॉर्मेंस को देखने के लिए। इसकी खास बात है कि ये और थोड़ा हल्का है, ये टैंक ये 20 टन्स का है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन लगी हुई है और बात करें इसके इंजन की, तो इसमें 510 HP का इंजन लगा हुआ है। इसकी स्पीड 70 km/h की है, ऑन द रोड एंड ऑफ द रोड 45 km/h की है। हालांकि रशिया ने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो किस कंपनी के साथ मिलकर इस टैंक को बनाएंगे, यानी किस कंपनी के साथ टाइप होगा या कोलाब्रेशन होगा, इस बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, पर आने वाले समय में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर स्प्रिट टैंक को चूज़ किया जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास मैक्सिमम टैंक्स रशियन ओरिजिन के ही हैं, चाहे वो T-90 हैं या फिर T-72 या फिर हम बात करें BMPs की, तो इंडियन आर्मी काफ़ी यूज टू है, काफ़ी फ्रेंडली है रशियन टैंक्स से। तो स्प्रिट भी एक अच्छा चैलेंज देगा दूसरे OEMs को। अब हम बात करते हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स की, तो इन्होंने भी ऑलरेडी एक हाईटेक और वर्ल्ड क्लास APC बना रखा है, यानी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, और इसके हल पर ये 105 mm की या फिर 120 mm की टरेट को माउंट करके एक बेहतरीन लाइट टैंक्स ऑफर कर सकते हैं इंडियन आर्मी को, और टाटास पर तो पूरा भरोसा है। और वैसे भी टाटा एडवांस सिस्टम्स अब कई सारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स बना रही है भारत में, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ देखने वाली होगी
कि किस कंपनी के साथ इनका टाइप होगा और कौन सा ये टरेट ये माउंट करेंगे अपने हल पर। क्या वो 105 mm की टरेट होगी या फिर वो 120 mm की टरेट होगी। पर टाटास भी डेफिनेटली एक टफ कंपटीशन देगा दूसरे OEMs को। अब अंत में बात करते हैं हम DRDO के। DRDO और हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवधि का एक ज्वाइंट प्रोडक्शन होने वाला है। लाइट टैंक हम कह सकते हैं कि एक DRDO का लाइट टैंक होगा। इसमें DRDO के चीफ ने अभी कुछ दिनों पहले इसके इंजन के बारे में बात करी थी और उन्होंने कहा था कि DRDO ने एक पावरफुल 1000 HP का इंजन डेवलप कर लिया है फॉर हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशंस। और ये उसी लाइट टैंक के बारे में बात हो रही है, यानी उस लाइट टैंक में इस इंजन को यूज किया जाएगा और इस पर 125 mm की स्मूथ बोर गन माउंट होगी। तो ये एक प्रपोजल DRDO की तरफ से भी आएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक टफ कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। जय हिंद।